नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू हमारे पिछले इशू के बाद शुरू होता है जहां पर हमने देखा था कि ब्लैक एडम ने हॉकमैन को इन्फेक्टेड कर दिया है और वे सब लोग नाइटशेड की मदद से एंटी लिविंग की आर्मी लेकर यहां आ रहे थे। तो अब आगे ऑलराइट गैग। तो इशू की शुरुआत में हम कुछ बड़े शिप्स देखते हैं जिसमें लोगों को बिठाया जा रहा था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कंटिन्यूस मोबाइल में देख रहा था। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि इतना मोबाइल मत देखो, वैसे भी इंटरनेट यहाँ पर नहीं है और अगर होता तो तुम मुसीबत में होते। ये सुनते ही उस आदमी को गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ये सुनते ही वो आदमी गन निकालता है और अपनी वाइफ को शूट करने जाता है, लेकिन तभी बैड बॉय उसका हाथ पकड़ लेता है और रॉबिन किक मार के उसे दूर फेंकती है। तभी तालिया पीछे से आती है और कहती है कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते ही तालिया अपनी तलवार से उस आदमी को मारने जाती है, लेकिन तभी बैड बॉय और रॉबिन तालिया को ऐसा करने से रोकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एटम स्मैशर बड़ा होकर लोगों से भरे हुए दो शिप्स को उठा कर ले जाता है। तो वही ग्रीन लैंटर्न कुछ लोगों को ले जाती है और तब ग्रीन लैंटर्न उन सारे लोगों को गॉथम लाती है जहां पर पॉइजन आईवी उन सबको अपने पास रखती है। यहां सीन शिफ्ट होती है और हम समुद्र के अंदर दो समुद्री जीव को देखते हैं जो अब एंटी लाइफ के कारण इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो समुद्र के अंदर ब्लैक मैंटा पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा उन्हें अपने हिट विजन से खत्म कर देता है जिसके कारण ब्लैक मैंटा की शिप टूट जाती है और ब्लैक मैंटा समुद्र के ऊपर आ जाता है। लेकिन सुपर बॉय ब्लैक मैंटा को देख लेता है और अपने साथ ले आता है। तभी वहां पे वंडर गर्ल आती है और सुपर बॉय से पूछती है कि क्या ये अनडेड है, जिस पर सुपर बॉय ना कहता है। तभी सुपर बॉय ब्लैक मैंटा को किनारे पर लाता है और तब वंडर गर्ल उसे जगाने लगती है, लेकिन तभी ब्लैक मैंटा वंडर गर्ल पे अटैक करता है, लेकिन उसका वंडर गर्ल पे कुछ असर नहीं हुआ था। ये देखकर तालिया को गुस्सा आता है और वो फिर से अपनी तलवार उठाती है और कहती है कि इसे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हैं तालिया ब्लैक मैंटा को अपनी तलवार से मारने जाती है, लेकिन तभी बीच में सुपर बॉय आता है और तालिया को रोकता है। तभी तालिया सुपर बॉय से कहती है कि मैं ब्लैक मैंटा को जानती हूँ, वो मतलब ही है और वो कभी हमारी मदद नहीं करेगा। यहाँ ब्लैक मैंटा उठकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी रॉबिन और सुपर बॉय उसे रोकने लगते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा उनकी बिना सुने वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एटम स्मैशर देखता है कि वहां पर नाइटशेड ने अपना पोर्टल खोल दिया था और तब उस पोर्टल में से ब्लैक एडम अपनी पूरी आर्मी के साथ बाहर आता है। ये देखकर ब्लैक मैंटा उस पर अटैक करता है तो वही सुपर बॉय वंडर गर्ल और ब्लू बीटल भी अटैक कर देते हैं। यहाँ एटम स्मैशर पास में रखी हुई शिप को उठाता है और उससे अनडेड को मारने लगता है और फिर अनडेड पर अपना पैर रख के उन्हें कुचल देता है, लेकिन तभी ब्लैक एडम एटम स्मैशर के शोल्डर के आर पार हो जाता है जिसके कारण एटम स्मैशर अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और तब एटम स्मैशर नीचे गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर सुपर बॉय ब्लू बीटल वंडर गर्ल रॉबिन और बैड बॉय डर जाते हैं। यहाँ सारे लोग ये देखकर डर के मारे भागने लगे थे। ये ब्लैक एडम देख लेता है और एटम स्मैशर को अपने साथ बुलाता है। तभी एटम स्मैशर और हॉकमैन भी ब्लैक एडम के साथ आते हैं और अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए ब्लैक मैंटा सुपर बॉय रॉबिन बैड बॉय वंडर गर्ल ब्लू बीटल और ताली आते हैं। तभी एटम स्मैशर को देखकर सुपर बॉय बैड बॉय से पूछता है कि एटम स्मैशर का क्या करे, जिस पर बैड बॉय कहता है कि एटम स्मैशर को इग्नोर करो क्योंकि अभी के लिए ब्लैक एडम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिस पर वंडर गर्ल कहती है कि डेमिन सही कह रहा है। तो ब्लू बीटल और सुपर बॉय मेरे साथ आ जाओ। तभी वंडर गर्ल ब्लू बीटल से पूछती है कि क्या ब्लैक एडम तुम्हारा आर्मर तोड़ सकता है, जिस पर ब्लू बीटल ना कहता है। ये कहते हैं ब्लू बीटल ब्लैक एडम पे जोरदार अटैक कर देता है। यहाँ ब्लैक मैंटा एटम स्मैशर को रोक के रखता है तो वही रॉबिन सारे लोगों को शिप में जाने को कहती है और तब ये सारे हीरोज मिलकर अनडेड को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एटम स्मैशर अपना फिस्ट बैड बॉय और ताली पे मारता है
पर रॉबिन ये देख लेती है और उन दोनों को वहां से हटाती है और तब एटम स्मैशर का फिस्ट सुपरबॉय और वंडरगर्ल रोक लेते हैं। लेकिन तभी एटम स्मैशर सुपरबॉय और वंडरगर्ल को अपने हाथों में रखता है और जोर से दोनों हाथ बंद कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुपरबॉय और वंडरगर्ल ने मिलकर उसके हाथ बंद करने से रोके थे और तब वे दोनों मिलकर एटम स्मैशर को जोरदार धक्का मारते हैं, जिसके कारण एटम स्मैशर समुद्र में जा गिरता है। पर इसके कारण एक और मुसीबत आ चुकी थी और वो ये थी कि एटम स्मैशर के समुद्र में गिरने से समुद्र बाहर आ गया था और वो सब कुछ डुबाने लगा था। यहाँ ब्लैक एडम ये देख लेता है कि चारों ओर पानी ही पानी है और इसीलिए वो अपनी लाइटनिंग पानी में छोड़ता है ताकि सारे के सारे मर जाए। लेकिन सुपरबॉय बीच में आता है और वो सारी लाइटनिंग अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण वो लाइटनिंग समुद्र में नहीं गिरती है। पर ऐसा करते समय लाइटनिंग का एक हिस्सा जिमी ओल्सन की आंख पे गिर जाता है, जिसके कारण जिमी ओल्सन की एक आंख फूट जाती है। यहाँ ब्लैक एडम के अटैक को रोकने के बाद सुपरबॉय नीचे गिर जाता है और देखता है कि जिमी ओल्सन वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सुपरबॉय जिमी के पास आता है, लेकिन तभी ब्लैक एडम सुपरबॉय पे अटैक करता है और सुपरबॉय को मारने लगता है। तभी ब्लैक एडम को रोकने के लिए वंडरगर्ल और बैड बॉय भी आते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन दोनों को उठाकर फेंक देता है। तभी ये देखकर सुपरबॉय को गुस्सा आता है और वो अपने हिट विजन से ब्लैक एडम पे अटैक करता है और अपने डैड यानी कि सुपरमैन को बुलाने लगता है। यहाँ सुपरमैन सुपरबॉय की आवाज सुन लेता है और तुरंत सुपरबॉय को बचाने के लिए निकलता है और तब सुपरमैन वहां आके ब्लैक एडम को जोरदार पंच मारता है और ब्लैक एडम को दूर फेंक देता है। उसके बाद सुपरमैन और सुपरबॉय मिलकर बहुत सारे अंडेड्स को मार गिराते हैं। तभी सुपरमैन मार्शियन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि ब्लैक एडम ने अपनी आर्मी के साथ यहाँ अटैक किया है, तो जितने भी हीरोज हमारे पास है उन सब के सब को बुलाओ। ये सुनते ही मार्शियन सारे हीरोज को बुलाता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर दोनों फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन आ चुके थे। यहाँ अंडेड की आर्मी रॉबिन और बैड बॉय पे भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे दोनों अपनी जी जान लगाते हैं उन्हें रोकने के लिए। लेकिन तभी वहां पर बाकी हीरोज आ जाते हैं और उन्हें बचाते हैं और उसके बाद तालिया, बैड बॉय और रॉबिन सारे लोगों को शिप में बिठाते हैं। लेकिन तभी रॉबिन देखती है कि ब्लैक मैंटा चुपचाप खड़ा था। तभी देखकर रॉबिन ब्लैक मैंटा के पास जाती है और देखती है कि उसे चोट लगी थी, यानी कि अब वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और तब ब्लैक मैंटा रॉबिन पर जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण पास की शिप जल जाती है। इसलिए सुपरमैन शिप के अंदर के लोगों को बाहर लाने लगता है। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी और वो ये थी कि आग मार्शियन की कमजोरी है और इसीलिए आग को देखकर मार्शियन कमजोर पड़ जाता है। तभी ब्लैक एडम मार्शियन के पास आता है और उसका पेट फाड़ देता है, जिसके कारण मार्शियन समुद्र में गिर जाता है। अब यहाँ मार्शियन मरा नहीं है बल्कि इन्फेक्टेड हो गया है, जिसे हमने डिजीज के पिछले इशू में देखा था। यहाँ ये देखकर सुपरमैन और वंडर वुमन ब्लैक एडम को जोरदार पंच मारते हैं, जिसके कारण ब्लैक एडम कहीं दूर गिर जाता है। और तब मौके का फायदा उठाकर ग्रीन लैंटर्न बाकी के शिप्स को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ बैड बॉय देखने लगता है कि रॉबिन की मौत हो चुकी है। ये देखकर बैड बॉय दुखी हो जाता है। तभी वहां पर ताली आती है और डेमियन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा और तब वे सब लोग भी वहां से चले जाते हैं। फिर हम गौतम गार्डन देखते हैं, जहां पर डेमियन रॉबिन को दफनाने वाला था। लेकिन तभी तालिया वहां आती है और डेमियन से कहती है कि मैं एक लेजरस पिट को जानती हूँ, जिसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो लेजरस पिट मैं ब्रूस के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो जिंदा होने के बाद भी वैसा ही इन्फेक्टेड रहेगा। इसलिए मैं अब रॉबिन को उस लेजरस पिट के जरिए जिंदा करूंगी। ये कहते तालिया रॉबिन को अपने साथ ले जाती है और यहीं पर ये इश्यू कंटिन्यू होता है।